हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हसन फन वीडियोस। गाइस, आज की इस वीडियो में आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास है क्लॉक। इससे मैं अभी आपके सामने ही अनबॉक्सिंग करूंगा और इससे मैं आपको अंदर से अभी ओपन भी करके दिखाऊंगा। तो चलिए पहले अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू क्लॉक का भी मैंने जस्ट एक अभी मैंने खरीदी है ये क्लॉक, जो वॉल क्लॉक है। तो चलिए अभी इसे ओपन करते हैं। टेप लगी हुई है, इसे भी हम ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये बिल्कुल एकदम ब्रांड न्यू जो है ये क्लॉक है। तो अब मैंने इसे ओपन कर लिया। ये आप देख सकते हैं कि ये रेड कलर की है, कुछ इस तरह की। ये जो है ये बिल्कुल रेड कलर की है, न्यू है बिल्कुल एकदम। तो इसके साथ बॉक्स में इतने चीज़ें भी नोट किया कि हमें एक जो है सेल भी मिला है। तो इस सेल को हम इसे बाद में बोल के अभी डाल के ट्राई कर लेते हैं कि जो है कुछ चलते हैं। तो पहले सेल को जैसे उतारते हैं, तो इस अब जो है सेल को अंदर डाल के चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो है नई क्लॉक है बिल्कुल ब्रांड न्यू। तो सेल को इधर से डालेंगे, यानी इधर से इधर से। और गाइस, आप देखो कि ये जो है ये चलना शुरू हो गया अभी। आप देख सकते हो कि जो है ये, मैं आपको कैमरा ऊपर करके दिखाता हूँ कि ये जो क्लॉक है ये अभी चलना शुरू हो गया। आप ये देख सकते हैं कि ये जो है बिल्कुल जो है परफेक्टली जो है चलना शुरू हो गया। तो चलिए अभी इससे जो है हम ओपन कर लेते हैं इस क्लॉक को। तो इसके लिए पहले मैं इसका जो है सेल रिमूव करूंगा ताकि हमें कोई खतरा ना हो सके इससे। तो सेल रिमूव करने के बाद इसको ओपन होना है। तो टेक्निकली जी गाइस, ये इधर जो है इसके ना छोटे छोटे से क्लिप्स लगे हुए हैं, जो आप भी देख सकते हैं कि इसके छोटे से क्लिप्स लगे हैं जिनसे जो है ओपन होनी है। तो गाइस, मैं आपको एक और बात बता दूं, इस फॉर एग्जांपल ये जो वीडियो है ये आपके उस तरह भी काम आने वाली। अगर आप क्लॉक खरीदते हैं तो उसकी जो पिन होती है वो टूटी हुई है, तो उस तरह भी आप इसकी जो पिन है वो रिपेयर कर सकते हैं घर में। वरना लोग होते हैं वो जो क्लॉक्स होती हैं उन्हें वापस करवा के तो नई क्लॉक ले लेते हैं। तो मैं आज आपको इस को रिपेयर करके दिखाऊंगा। ये तो अभी बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इसे आपको जो है निकाल कर रिपेयर करके दिखाऊंगा। तो ये जो है काफ़ी इजीली जो है ये ओपन हो गया। मैंने समझा शायद कि इसमें कुछ स्क्रूज वगैरह लगे होंगे। तो कुछ क्लॉक्स में जो होते हैं वो इधर 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 सारे स्क्रूज लगे होते हैं। तो आप जो देख सकते हैं कि ये जो है अभी छोटे से क्लिप्स लगे हैं इसके साथ में सारे। तो गाइस, अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो क्लॉक है इसका साइड वाला जो इसका स्टैंड है वो बाहर आ गया। तो इस तरह से, तो गाइस आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास है ग्लास के क्लॉक का। तो गाइस, अभी आप ये देख सकते हैं ये वही क्लॉक है बिल्कुल जो मैंने आपके सामने ओपन की थी। तो आप ये देख लें, ये जो है मैं इसे थोड़ा सा टच करता हूँ तो ये इस तरह चलता है जैसे मैंने इसमें सेल डाला। लेकिन आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई सेल नहीं, वही क्लॉक है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो यह आप देख सकते हैं कि इसका ग्लास है ये जो अभी मैंने ओपन किया, और ये इसका जो है साइड वाला फ्रेम है इसका ही। तो चलिए अब अपनी क्लॉक को एक दफ़ा फिर से टेस्ट करके देख लेते हैं कि जो है ओपन करने के बाद चलते हैं। तो इसके लिए मैं इसमें इसका है सेल डालूंगा। तो इसका सेल मैंने डाल लिया। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि अभी भी चल रही है। अगर मैं इसे इस तरह करके रोकता हूँ तो ये रुक जाती है। ये आप देख लें, ये बिल्कुल सही चली। तो चलिए इसका जो है सेल वो हम निकाल लेते हैं। तो सेल निकाल लिया। तो गाइस, अब आप जैसे कि देख सकते हैं कि जो क्लॉक है हमारी पूरी ओपन हो गई है। तो ये जो चीज़ थी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। एक जो क्लॉक होती है उनसे ओपन करने के बाद कि इसकी पिन जो होती है वो हम मूव कर सकते हैं कि नहीं। बहुत सारे जो लोग होंगे उन्होंने नहीं देखा होगा कि क्लॉक अंदर से जो होती है कैसे होती है। आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन वो बार बार इसके मिरर से ही देखी होगी। तो चलिए इसके पिन का भी कुछ केस हम बना देते हैं। तो आप क्लॉक खरीदते उसकी जो पिन होती है वो इस तरह करके कुछ उतरी होती है। कभी बाहर वाली होती है, कभी अंदर वाली होती है। अगर अंदर वाली उतरी हो तो उसे आप डाल लें, जैसे ये छोटी वाली नीचे, ये बड़ी वाली ऊपर। तो ये जो सबसे पतली वाली होती है इससे इधर। तो मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे ले जाते हैं। ये जैसे कि आप देख सकते हैं इस केस में जो हमारी पिन है वो अभी उतरी हुई है। तो इसको लगाने के लिए हम काफ़ी जो है ये ईजी है, ये आप भी कर सकते हैं। इसको हम ऐसे करके सिंपली इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं कि इसके अंदर
एक ना छोटी सी जो है पिन है इसके अंदर, पिन है तो उस हिसाब से इसके अंदर भी एक छोटा सा उस हिसाब से होल है। तो चलिए अब इसको इसके अंदर ले जाते हैं। तो गाइस अब आप जैसे कि देख सकते हैं हमने इसे इसके अंदर लगा दिया। तो आप फिर से सेल डाल के देखते हैं कि वो जो है लगाने के बाद चलते हैं। तो गाइस आपने देखा कि ये बिल्कुल 100% वर्किंग है। अगर आपकी जो लॉक है वो ख़राब हुई हो तो आप उसे इस तरीके से सही कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो गाइस एक और सिचुएशन अब मैं आपको देता हूँ, सेल पहले इसका निकाल लेते हैं हम। एक और सिचुएशन जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे कभी गलती से क्लॉक खुल गया, आपको बंद नहीं करनी आ रही, तो आपको क्या करना है, सबसे जो मेन चीज़ होती है ना वो क्लॉक होती है। आपको क्लॉक रखनी है कुछ ऐसे, और क्लॉक के ऊपर ये जो उसका ग्लास होता है, आपको उसका ग्लास जो है वो बड़े ही ध्यान से आपको रखना होता है। ये जो है आप देख सकते हैं काफ़ी जो है ये काफ़ी जो है थीन भी है, इतना ज़्यादा कोई थिक नहीं है। तो ये जो है ये इधर टूट भी सकते हैं, तो आपको पहले इसे रखना है। फिर आप देख सकते हैं कि जो इसका स्टैंड है, इसका स्टैंड हम लगाते हैं। फिर आपको इसका जो स्टैंड है ये इधर रखना है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो ये स्टैंड है वो हमने जो है लगा लिया। तो इधर भी ये देखिए कि इधर भी जो है ये छोटे छोटे से क्लिप्स हैं, उस हिसाब से कि इसको इसके अंदर फंसाना है। तो इसको अब हम ऐसे कर लेते हैं। तो अभी फिर से जो है हम इसे चला के देखते हैं, ये जो है ये चलते हैं कि नहीं। तो वैसे अब देख सकते हैं कि जो है क्लॉक के 100% वर्किंग है पूरी। आप देख सकते हैं हमने हालांकि इसकी पिन भी हमने उतारी, लेकिन ये अभी तक जो है चल रही है। तो आप ये देखिए इसकी बैटरी सेल और ये जो है क्लॉक है हमारा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब एम रखते हैं 100 सब्सक्राइबर्स का, और लाइक एम रखते हैं 50 लाइक्स का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।